Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा ऐलान कर दिया है। इसमें कहा गया है कि बहुजन समाज पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेगी और इसके पीछे की वजह भी मायावती ने बता दिया है। उन्होंने पार्टी नेताओं से विधानसभा चुनाव की तैयारी करने को कहा है। साथ ही साथ यहाँ मायावती ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला भी बोल दिया है। मायावती ने कहा है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी वाली गलतियों को दोहरा रही है। मायावती ने कहा कि इससे लोकतंत्र की जड़ें भी कमजोर हो रही है। बात करें तो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधानसभा चुनाव के लिए तैयार अपना नारा भी बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव में उनका मुख्य नारा और उद्देश्य यूपी को बचाना है, सर्वजन को बचाना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है होगा। मायावती ने कहा कि विपक्षी पार्टियां और बीएसपी मीडिया को कम ना आके। राज्य की बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए मायावती ने कहा कि बीजेपी उसी तौर तरीके से काम कर रही है जैसे समाजवादी पार्टी करती थी। मायावती ने कहा कि ऐसी ही शैली की वजह से उन्होंने 1995 में समाजवादी पार्टी से अलग होने का फैसला किया था, लेकिन अब बीजेपी भी वही सब कर रही है। मायावती की तरफ से पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को संदेश दिया गया कि वह इस पंचायत चुनाव में अपना वक्त खराब ना करें, पार्टी को मजबूत करने में लगाएं। मायावती ने कहा कि इससे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीएसपी को फायदा होने वाला है। मायावती ने कहा कि कार्यकर्ता ने अगर पार्टी को मजबूत किया तो बीएसपी की अपने बलबूते पर सरकार बनने के भी चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। मायावती ने कहा कि अगर विधानसभा चुनाव में बीएसपी की जीत हुई तो अधिकांश जिला अध्यक्ष खुद ही उनकी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। मायावती ने आगे कहा कि उनकी पार्टी के नेताओं को विरोधी पार्टियों का शाम दाम दंड भेद नीति से सावधान रहना होगा। मायावती ने यह भी कहा कि वह फिलहाल कोरोना नियमों के चलते लखनऊ में मौजूद हैं और वहीं से मीटिंग्स में हिस्सा ले रही हैं। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।